मैं आरके सिंह कक्षा 7 की गणित की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए वाणिज्य गणित का पार्ट 8 अभ्यास 7B का 7वां सवाल लगाते हैं। 1 किलो में 700 ग्राम प्रतिदिन प्रति सिपाही के हिसाब से 42 दिन का भोजन है। यदि प्रतिदिन का भोजन 600 ग्राम प्रति सिपाही कर दिया जाए तो भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? देखते हैं, तो कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा इसको हम मान लेंगे। माना भोजन यक्ष दिनों के लिए पर्याप्त होगा, माना भोजन यक्ष दिनों के लिए पर्याप्त होगा। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तरफ है भोजन ग्राम प्रतिदिन प्रति सिपाही, ये भोजन ग्राम में है प्रतिदिन प्रति सिपाही। दूसरी तरफ है दिन, 42 दिन, फिर पूछा कितने दिन के लिए पर्याप्त। तो दो राशियां हैं, एक तरफ भोजन ग्राम प्रतिदिन प्रति सिपाही, दूसरी तरफ दिन। पहले आप देखें कि जब 700 ग्राम प्रतिदिन प्रति सिपाही के हिसाब से भोजन था तो ये कितने दिन के लिए था? 42 दिन का ये भोजन था। लिख दिए इधर 700, इधर लिख दिए 42। अब इसके बाद भोजन प्रतिदिन का कर दिया 600 ग्राम प्रति सिपाही, तो यहाँ लिख दिए 600 ग्राम प्रति सिपाही। अब ये पूछ रहा है कि ये कितने दिनों तक भोजन चलेगा। आप ध्यान दें, जब 700 ग्राम रोज भोजन दिया जा रहा है हर सिपाही को तो 42 दिन चलता है, भोजन उतना ही है। अब क्या किया कि भोजन को कम कर दिया, अब भोजन को कम देना, अब केवल 600 ग्राम ही देना है। पहले ज्यादा दिया जाता था तो 42 दिन चलता था, अब उससे कम दिया जा रहा है तो और ज्यादा दिन चलेगा। ठीक, मतलब जब ये कम हो रहा है, भोजन की मात्रा जब कम हो रही है तो दिन की मात्रा बढ़ जा रही है। ठीक, मतलब इसमें विलोम अनुपात है, इसलिए यहाँ पर एक तीर ऊपर कर देंगे तो एक तीर नीचे, अगर यक्ष की तरफ इधर तीर कर दिए तो इधर तीर ऊपर कर दिए। अब क्या करेंगे कि यक्ष की तरफ तीर है तो यक्ष वाला पहले लिखेंगे तो इसके पूंछ वाला बाद में, यानी यक्ष अनुपात 42, ये हो गया। फिर समानुपात का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर जो तीर इधर 700 पर है इसको 700 पहले लिखेंगे, फिर अनुपात 600 ये लिख दिए। अब आप देख रहे हैं कि बाहर ये पद है 600 यक्ष और 600, बाहर ये पद यक्ष और 600 है और मध्य में है 42 और 700। ठीक, तो बाहर के पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल आपस में बराबर होता है, इसलिए यक्ष गुणे 600 बराबर मध्य पद 42 गुणे 700। अब ये 600 इधर गुणा है तो इधर आएगा 42 गुणे 700 बटे 600 हो जाएगा। अब आप ध्यान दें कि ये दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएगा, ये 6 से ये 42 कट जाएगा, 6 7 42 7 बार। अब ये 7 और ये 7, 7 का 7 में गुणा हुआ आ गया 49, तो अभिष्ट समय क्या हो गया 49 दिन, यानी कि भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, 49 दिनों के लिए भोजन पर्याप्त होगा। इसके बाद हम सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8वां सवाल आप ध्यान से देखें, कह रहा है कि जब एक नल एक घंटे में 640 लीटर पानी भरता है तो एक जलकुंड को भरने में 10 घंटे का समय लगता है। यदि उसी जलकुंड को दूसरे नल से 8 घंटे में भरा गया हो तो दूसरे नल से प्रति घंटा कितने लीटर पानी भरा? तो ये हम मान लेंगे कि माना दूसरे नल से प्रति घंटा यक्ष लीटर पानी भरा, यहां से करेंगे, माना दूसरे नल से प्रति घंटा यक्ष लीटर पानी भरा, ये लिख दिए, माना दूसरे नल से यक्ष लीटर प्रति घंटा पानी भरा। तो दो चीजें इसमें हैं, एक तरफ है प्रति घंटा लीटर, लीटर प्रति घंटा है, दूसरी तरफ है समय घंटे में। एक तरफ लिख दिया लीटर प्रति घंटा, दूसरी तरफ समय घंटे में हो गया। तो जब 640 लीटर प्रति घंटा पानी आ रहा है तो समय लग रहा है 10 घंटा। ठीक,
अब कह रहा है कि 8 ही घंटे में भरना है, 8 घंटे में भरा गया, तो ये पूछ रहा है कि कितने लीटर प्रति घंटा पानी भरा गया। तो ये हम यहाँ यक्ष लिख दिए हैं। अब ध्यान से देखें कि जब 10 घंटे में भरा गया तो 640 लीटर पानी भरा गया। अब और जल्दी भरना है, 8 ही घंटे में भरना है। जब 8 ही घंटे में भरना है तो 1 घंटा में ज्यादा पानी आएगा, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर पानी की मात्रा जब बढ़ रही है तो यहाँ समय की मात्रा क्या हो रही है, घट रही है। ठीक, तो मतलब समय की मात्रा घट रही है तो पानी की मात्रा बढ़ रही है, इसका मतलब विलोम समानुपात, एक तरफ घट रहा है दूसरी तरफ बढ़ रहा है। तो तीर अगर इधर यक्ष की तरफ लगाए तो इधर तीर ऊपर की तरफ लगा दिए, इधर नीचे लगाए तो। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, अब लिखेंगे, मान लीजिए यक्ष पर तीर का मुंह है, यक्ष पहले लिख दिए, फिर अनुपात का चिन्ह लगाए, फिर 640 पूंछ वाला बाद में लिखे, फिर समानुपात का चिन्ह, तीर 10 पर है तो 10 को पहले लिखे, फिर अनुपात का चिन्ह लगाए, फिर 8 पूंछ वाला बाद में लिख दिए। अब आप देखें कि यहाँ बाहर का पद क्या है, यक्ष है और 8 है, तो बाहरी पदों का गुणनफल क्या हो गया, यक्ष गुणे 8। मध्य का पद क्या है, 640 और 10 है, तो मध्य पदों का गुणनफल क्या हो गया, 640 गुणे 10। तो नियम होता है कि बाहरी पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। अब ये 8 का इधर गुणा है तो इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, तो यक्ष बराबर 640 गुणे 10 बटे 640 गुणे 10 फिर बटे 8। अब 8 से 8 एकम 8 हो गया, 8 अट्ठे 64 हो गया, 1 जीरो है, 1 जीरो लगा दिए, यानी 80। 8 से 640 कट गया 80 बार में, 80 में 10 का गुणा किए 800 आया, अतः अभीष्ट पानी की मात्रा 800 लीटर प्रति घंटा। इसी के साथ हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।